अधिकारों की जंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के खिलाफ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार, बोले दिल्ली पर आक्रमण का सपना पाकिस्तान देखता है, मगर मोदी जी आप भी यही कर रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित का सीएम केजरीवाल पर हमला, बोले दिल्ली सरकार के 4 वर्ष बर्बादी का इतिहास है। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, आम चुनाव में गठबंधन पर कांग्रेस ने लगभग मना किया। दिल्ली में आग का तांडव जारी, नारायणा में आरचीज की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, एनजीटी ने राजौरी गार्डन में ध्वनि प्रदूषण न रोकने पर दिल्ली सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, 1 जनवरी से 10 फरवरी के बीच वायरस के 1669 मामले आए सामने, 7 लोगों की हुई मौत। 2 दिन की राहत के बाद फिर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 6 पैसे बढ़कर 70.39 रुपए और डीजल 5 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 65.67 रुपए पर पहुंचा। नोएडा में परी चौक पर जाम से निजात के लिए ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, चौक पर 1 मिनट से ज्यादा रुकने पर कटेगा चालान। जिला आबकारी विभाग ने की कई जगहों पर छापेमारी, छापेमारी में 298 क्वार्टर बरामद, अवैध शराब पकड़ने के लिए विभाग ने चलाया था अभियान। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम आदित्यनाथ योगी को लौटाया पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मंत्रालय, मंत्री पद से की इस्तीफे की पेशकश। उड़ान के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विमान में आई खराबी, पायलट ने सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा, आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे मौर्य। जहरीली शराब कांड में पुलिस ने दबोचे 13 आरोपी, 157 लीटर कच्ची शराब, 58 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब बरामद। यूपी पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने आजमगढ़ से 3 लाख के नकली नोट किए बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। अभिनेत्री अमीषा पटेल समेत 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज, शादी में पैसे लेकर कार्यक्रम रद्द करने का है आरोप। मुरादाबाद पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी, पुलिस ने महिला की हत्या में शामिल भतीजे संग एक युवक को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी सफलता, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार, 3 करोड़ 10 लाख रुपए का मॉर्फिन बरामद। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, सुबह से हो रही है रुक रुक कर बारिश, मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि की चेतावनी। मुलायम सिंह यादव के बयान पर राबड़ी देवी का बयान, कहा उम्र हो गई है, समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। झारखंड में सुरक्षा बलों और पुलिस के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक नक्सली ढेर, 1 जर्मन राइफल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। रफाल पर सीएजी की रिपोर्ट पर पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप, बोले झूठ की खेती करते हैं राहुल। मंत्री टीएस सिंहदेव के माफी मांगने पर बीजेपी प्रवक्ता शिवरतन शर्मा का निशाना, कहा विपक्ष में रहने के दौरान भूपेश बघेल घुड़सवार के कथित कमजोर होने की बात करते थे, आज घुड़सवार को भरे मैदान में घोड़े ने पटक दिया है। राज्य सरकार ने बदले पिछली सरकार की 2 और योजनाओं के नाम, सरकार ने राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या विवाह योजना का नाम बदलकर मिनी माता कन्या विवाह योजना किया। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पीसी शर्मा ने नेटलिंक के इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन, पीसी शर्मा ने संस्थान का भी किया अवलोकन।
भोपाल में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 15 और 16 फरवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। मेले में देश प्रदेश के 50 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां होंगी शामिल। माखनलाल जाटव हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य की बड़ी मुश्किल। भोपाल कोर्ट में चलेगा हत्या का मामला। अब तक लाहौर कोर्ट में चल रहा था मुकदमा। अजमेर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरएसएस पर तंज। बोले वो हाफ पैंट पहनकर लाठी उठाते हैं, हम मोहब्बत से देश चलाना चाहते हैं। गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण बिल पास होने पर गुर्जर नेता किरोड़ी मल बैंसला का बड़ा बयान। कहा पहले भी 4 बार आरक्षण संबंधी विधेयक हो चुके हैं पास, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर लेंगे फैसला। वैलेंटाइन डे को लेकर राजस्थान सरकार ने बदला पूर्व सरकार का फैसला। बीजेपी ने की थी स्कूलों में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात। गठबंधन के लिए सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। फिरोजपुर में रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे किसान, 10 ट्रेनें हुई प्रभावित। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने की कर्ज माफी की मांग। बेअदबी मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को मिली राहत। जस्टिस रणजीत सिंह आयोग द्वारा मामले में आरोपी बनाए गए प्रदीप सिंह को पंजाब हाई कोर्ट ने दी जमानत। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के 6 साल पुराने मामले में की बड़ी कार्रवाई। हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट में जगदीश भोला को 12 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने 24 अन्य को भी दिया दोषी करार। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा दाव। सरकार ने ग्रुप बी के तहत शिक्षक, शैक्षणिक पर्यवेक्षक, शिक्षक एजुकेटर की भर्ती में इंटरव्यू किया खत्म। मेधावी छात्रों को मिलेगा लाभ। हरियाणा में डबल पावर से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। अनुसंधान अभिकल्प और मानव संगठन से अनुमति मिलने के बाद राजधानी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त इंजन लगाया गया। अब कम वक्त में सफर होगा तय। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कसी कमर। हिमाचल में 5 मार्च से पहले होगी राहुल गांधी की रैली। राज्य के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। फर्जी डिग्री मामले में पुलिस को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में सोलन का कारोबारी गिरफ्तार। 10 जनवरी को हिमाचल पुलिस ने किया था गिरोह का भंडाफोड़। शिमला में खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल। राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। डॉक्टरों ने की बैंक गारंटी को खत्म करने की मांग। आचार संहिता से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल। 5 आईपीएस और 39 केपीएस के किए गए तबादले। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद ने साइंस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी की निंदा की। कहा देश विरोधी नारे लगाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल और सीएम के बीच ठनी। उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ सीएम नारायण सामी ने किया रात भर प्रदर्शन। बेदी को हटाने की है मांग। कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चिकमंगलुरु में दर्ज कराई शिकायत। पार्टी को तोड़ने का लगाया आरोप। केरल में बीएचपी ने किया भगवान अयप्पा के भक्तों पर हुए उत्पीड़न के विरोध में प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा ज्ञापन। गुजरात पुलिस ने व्हीप और बजरंग दल के 20 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। कार्यकर्ता वैलेंटाइन डे का विरोध कर प्रेमी जोड़ों पर धावा बोलने का कर रहे थे प्रयास। कांग्रेस को फिर मिला निर्दलीय विधायक एच नागेश का समर्थन। नागेश ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार से मुलाकात कर सौंपा समर्थन पत्र। नागेश मुलाब गिलू सीट से निर्दलीय विधायक हैं। हर्रा टीकरा में पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर। हादसे में मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोले सीएम एन बीरेंद्र सिंह, लोग नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर घबराए नहीं। कुछ संगठनों ने किया है विधेयक के विरोध में हड़ताल का आह्वान।
लामफेल में बीआरटीएफ शिविर के नजदीक बम विस्फोट, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मौके पर पुलिस बल तैनात। सीएम नवीन पटनायक ने रखी जिले में कई परियोजनाओं की आधारशिला, परियोजनाओं में 5000 करोड़ रुपए की लागत से बना बंदरगाह भी शामिल। और शुक्रवार को ओडिशा के दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, 4 संसदीय क्षेत्रों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से करेंगे वार्ता।